नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार NIOS की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋषभ कुमार मिश्रा जी, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आज की इस कक्षा में हम आपके कोर्स 502 से संबंधित चर्चा करेंगे कि शिक्षण की प्रक्रिया का संज्ञानात्मक आयाम कौन कौन सा है। आपका स्वागत है ऋषभ कुमार जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अखिलेश जी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि संज्ञान क्या है, आखिर संज्ञान किसे कहते हैं? ये प्रासंगिक सवाल है। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पहेली के रूप में संज्ञान शब्द उपस्थित होता है। संज्ञान शब्द की परिभाषा करने के पूर्व मैं व्यवहारवाद और संज्ञानवाद की कुछ आधारभूत मान्यताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रायः मनोविज्ञान में संज्ञानवाद और व्यवहारवाद को एक दूसरे के तुलना में समझा जाता है। व्यवहारवाद जहाँ व्यवहार को सीखने की आधारभूत इकाई मानता है कि व्यवहार और अनुबंधन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीखता है, वहीं संज्ञानवाद व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं को जानने का एक प्रमुख माध्यम मानता है। अर्थात संज्ञानवाद इस बात की पैरवी करता है कि कुछ व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जोड़ तोड़ करके प्रत्यक्षण करके व्यक्ति सीख सकता है, व्यक्ति जान सकता है। उन प्रक्रियाओं का अध्ययन संज्ञानवाद के अंतर्गत किया जाता है जिससे व्यक्ति सीखता है, प्रत्यक्षण करता है और ज्ञान का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत चिंतन, याद करना, समस्या समाधान, वर्गीकरण, कल्पनाएं करना, तर्क करना, निर्णय लेना जैसी संक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। बहुत अच्छा आपने बताया। इसमें फिर सवाल उठता है कि क्या संज्ञानात्मक विकास और शिक्षण में कोई आपसी संबंध है? देखिए, संज्ञान और शिक्षण के संबंध की व्याख्या करने से पूर्व हमें विद्यालय व्यवस्था की संरचना को समझना होगा। वर्तमान की विद्यालय व्यवस्था एक प्रकार से हमें यह सुविधा प्रदान करती है कि विद्यालय जाने की आयु जो प्रायः 4 से 6 वर्ष के बीच की होती है, वहाँ से लेकर जीवन पर्यंत शिक्षा की तमाम औपचारिक संरचनाएं मौजूद हैं। इन संरचनाओं में जब विद्यार्थी प्रवेश करता है तो वह एक जैविक प्राणी के रूप में भी होता है जिसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की मौजूदगी का संज्ञानवाद समर्थन करता है। अर्थात संज्ञानवाद की विचारधारा के अनुसार हम ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति सीख सकता है। सीखने के दौरान उसकी बहुत सी मानसिक संक्रियाएँ होती हैं और इन मानसिक संक्रियाओं को शिक्षण के द्वारा एक नया रूप प्रदान किया जा सकता है। इन आधारभूत मान्यताओं के सापेक्ष देखेंगे तो हमारे सामने 3 सवाल प्रकट होते हैं। आखिर बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, सीखने के दौरान कौन कौन सी मानसिक सक्रियाएं होती हैं और किस आयु में क्या क्या सिखाया जा सकता है। संज्ञानवाद कहीं न कहीं हमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने में मदद करता है और इस कारण संज्ञानवाद की समझ शिक्षक के लिए, शिक्षण प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम अपने अधिगमकर्ता को समझ सकते हैं और उसके अनुसार अधिगम की सामग्री का नियोजन अपनी कक्षा हेतु कर सकते हैं। क्या आप संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे? जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को अनेक सिद्धांतकारों ने अपने अपने तरीके से समझाया है। इसमें सर्वमान्य सिद्धांत ज्यां प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। आज मैं आपके साथ विस्तार से ज्यां प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करूँगा जिसके आधार पर आप अपने विद्यार्थियों की विकास संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे बड़ों से संज्ञानात्मक प्रक्रिया की तुलना की दृष्टि से गुणात्मक प्रकार में भिन्न होते हैं। अर्थात जो मानसिक संक्रियाएं बच्चों के मस्तिष्क में घटित होती हैं और जो वयस्क के मस्तिष्क में घटित होती हैं, उनमें गुणात्मक अंतर होता है। और जैसे जैसे बच्चा वयस्क होता जाता है, इन संक्रियाओं में नए प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। इसके आधार पर वह क्रमशः 4 अवस्थाओं से होते हुए संज्ञानात्मक विकास करता है। प्याजे का मानना यह था कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने परिवेश का प्रत्यक्षण करते हैं और पेशी गतिविधियों द्वारा संकल्पनाओं का निर्माण एवं उनमें संशोधन करते हैं। परिवेश के प्रत्यक्षण और पेशी गतिविधियों द्वारा संकल्पनाओं के निर्माण की आधारभूत इकाई स्कीमा होती है जिसके माध्यम से बच्चा अपने वातावरण को समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि बच्चा अपनी सक्रियता द्वारा दुनिया की
तमाम उद्दीपकों पर अपनी क्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण कर रहा है, अर्थात बालक अपनी ज्ञान निर्माता की भूमिका में होता है और इस ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में वह लगातार अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को पुनर्संगठित करता रहता है। संज्ञानात्मक संरचनाओं, जिसे कि स्कीमा भी कह सकते हैं, का पुनर्संगठन ही सीखने का संकेत होता है। इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में होती है। ये अवस्थाएं एक दूसरे से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की दृष्टि से भिन्न होती हैं। एक प्रकार की अवस्था एक खास प्रकार की मानसिक संक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर जया पियाजे ने विकास की संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था को वह पेशी संक्रिय अवस्था बताते हैं, जिसकी अवधि 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष तक है। चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 11 से 14 वर्ष तक मानी जाती है। इन अवधियों के विशेषताओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किन प्रक्रियाओं द्वारा होते हुए ये संज्ञानात्मक विकास होता है। इस संदर्भ में पियाजे 4 मुख्य पहलुओं की चर्चा करते हैं। जैविक परिपक्वता, अर्थात जन्म के साथ प्रत्येक व्यक्ति मानव जीव जाति की विशेषताओं के साथ कमसा उम्र में बड़ा होता जाता है। यह उसकी जैविक विशेषता उसे कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं प्रदान करती हैं, जिसके आधार पर वह अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। गतिविधि, जैसा मैंने पहले भी बताया, पियाजे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक सक्रिय अधिगम करता होता है। वह लगातार अपने परिवेश में कुछ न कुछ गतिविधियां करता रहता है, एक्शंस करता रहता है। ये गतिविधियां या क्रियाएं ही उसके सीखने का एक प्रमुख स्रोत बनती हैं। जब बच्चा कोई गतिविधि या क्रिया कर रहा है तो वह निर्वात में नहीं होती है। उसकी गतिविधियों और क्रियाओं को सामाजिक अनुभव एक आधार प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने अनुभवों को पुनर्संगठित करता रहता है। पियाजे के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात संतुलन करने की है, जिसे संतुलीकरण या इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, इसे पियाजे ने 2 प्रक्रियाओं द्वारा बताया, समावेशन और समायोजन। जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई भी बच्चा अपने परिवेश के अनुभवों के द्वारा एक संज्ञानात्मक संरचना बनाता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। विद्यार्थी के सम्मुख या बच्चे के सम्मुख जब कोई नई समस्या या नई परिस्थिति आती है तो अपनी वर्तमान संरचनाओं या स्कीमा के प्रयोग द्वारा वह उसे ग्रहण करने की या उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। जैसे यदि विद्यार्थी के दिमाग में कुत्ते नामक जीव का स्कीमा है, 4 पैर 1 दुम वाला प्राणी कुत्ता होता है, और उस विद्यार्थी के सम्मुख बकरी आती है तो वह पहले कुत्ते के स्कीमा द्वारा बकरी की अवधारणा की व्याख्या करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसका प्रत्यक्षण उसके इस स्कीमा के साथ तालमेल में स्थापित नहीं होता है और वह पाता है कि इस नए जानवर के पास सींग भी है, तो एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। यह एक जैविक गुण है कि वह बच्चा असंतुलन की अवस्था में नहीं रहना चाहता, इसलिए वह अपने स्कीमा का पुनर्संगठन करता है और नए अनुभव के आधार पर, जो उसका नया प्रतिक्षण है, उसके आधार पर एक नए स्कीमा का निर्माण करता है। नए स्कीमा के निर्माण द्वारा परिस्थिति का समायोजन करने की कोशिश करता है। इसे ही जहाँ पियाजे ने समायोजन की संज्ञा दी है। इस प्रकार से कोई भी बच्चा समावेशन और समायोजन की प्रक्रिया द्वारा अब एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में नित नई चीज़ें सीखता रहता है। अब आते हैं पियाजे द्वारा बताई गई संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं पर। अभी तक मैंने आपसे 3 मुख्य बातों की चर्चा की। पहला, विद्यार्थी अपने परिवेश का प्रत्यक्षण कर स्कीमा का निर्माण करता है। दूसरा, इस स्कीमा के प्रयोग द्वारा वह प्रत्येक परिस्थिति की व्याख्या करने की कोशिश करता है, जिसे मैंने समावेशन की संज्ञा दी। जब उसके पहले के स्कीमा द्वारा नए परिस्थिति की व्याख्या में कहीं असंतुलन पैदा होता है तो वह समायोजन द्वारा नए स्कीमा का निर्माण करता है, और इस आधारभूत प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास घटित होता रहता है, जिसमें उसकी जैविक परिपक्वता एक प्रमुख संकेतक है। उसकी यह जैविक परिपक्वता संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग अवस्थाओं में परिलक्षित होती है, जिसमें से पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा अनुभवों का प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा देखना, सुनना, चलना, छूना, चखना आदि के द्वारा अधिगम करता है।
इस अवस्था में प्रारंभ में जब बच्चे के सामने से किसी वस्तु को हटा दिया जाता है तो वह उसको खोजने का प्रयास नहीं करता और वह मान लेता है कि उस वस्तु का अस्तित्व तभी तक था जब तक वह उसके सामने थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है और इस अवस्था के अंत तक वह बच्चा जानने लगता है कि वस्तु में अस्तित्व होता है। यदि कोई वस्तु उसके सम्मुख प्रत्यक्षता उपस्थित नहीं है तो भी वह उपस्थित होगी। धीरे धीरे वह उसमें उद्देश्यपूर्ण कार्यों की शुरुआत होती है। वह यह समझने लगता है कि यदि कोई खिलौना उसके सम्मुख है तो कैसे उसकी ओर बढ़ा जाए, कैसे उसे ग्रहण किया जाए। इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि बच्चा बड़ों के व्यवहार को दोहराने लगता है। इस व्यवहार को हम डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं। वह बाथटब में बैठ के नहाने की एक्टिंग करता है, वह माता पिता की तरह डांटने, रोने या दुलारने की भी एक्टिंग करता है। इसे ही डिफर्ड इमिटेशन की संज्ञा देते हैं। इस अवस्था में बच्चा ज़्यादातर अपने संवेदी पेशी गतिविधियों में ही संलग्न रहता है। अभी भी वह मानसिक संक्रियाओं की दृष्टि से परिपक्व नहीं हुआ रहता है। अगली अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसकी अवधि 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा हर कार्य को शारीरिक क्रियाओं से ना करके उनका मानसिक रिप्रेजेंटेशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन करना प्रारंभ करता है। अर्थात वह हाथी के खिलौने की एक मेंटल इमेज बनाता है और विद्यालय जैसे औपचारिक शिक्षण संस्थाओं, अधिगम संस्थानों के एक्सपोजर के फलस्वरूप वह कुछ कुछ ड्राइंग भी बनाने लगता है। इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है उसके शब्दकोश का विकास। चूंकि अब वह प्रत्येक वस्तु की मेंटल इमेज बना पाने में समर्थ है, अतः वह शब्द के साथ वस्तु को जोड़ पाने की उसमें क्षमता होती है और उसके भाषा का विकास तेजी से होता है। लेकिन अभी भी वह वस्तुओं के विषय में केवल एक ही दिशा तक सोच पाता है। अर्थात वह ये तो जान पाने में सक्षम होता है कि एक में एक जोड़ देने से 2 होता है, लेकिन वह इस बात की को नहीं समझ पाता है कि 2 में से 1 घटा लेने पर 1 शेष रह जाता है। उनके तर्क केवल एक ही दिशा में विकसित होते हैं। बालकों के लिए उल्टा सोचना असंभव सा होता है। इस अवस्था में एक और सीमा होती है जिसे मैं एक उदाहरण द्वारा समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि बच्चे के सम्मुख एक छोटी गिलास में जल दिया जाता है और उस छोटी गिलास के जल को वह बड़े गिलास में पलट देता है और यह मानने लगता है कि जल बड़े गिलास में पलटने मात्र से जल की मात्रा बढ़ गई। उसमें यह समझ विकसित नहीं हो पाती है कि बर्तन के आकार का जल की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। इसे ही संरक्षण की अवधारणा कहते हैं। अर्थात मात्रा और आकार के संबंध की वह सम्यक व्याख्या नहीं कर पाता है। वह मान के चलता है कि आकार या परिमाप के घटने बढ़ने से मात्रा में भी वृद्धि या कमी होती है। वह इस संबंध की समझ उसे अगली अवस्था में होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक की सोच केवल आत्म केंद्रित होती है। अर्थात केवल वह अपने संदर्भ, अपने परिप्रेक्ष्य, अपने विचारों को ही महत्व देता है। अपने साथ किसी के साथ संवाद के माध्यम से जुड़ पाने में समर्थ नहीं हो पाता है। धीरे धीरे बच्चा तीसरी अवस्था की ओर बढ़ता है जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि विद्यार्थी में तर्क करने की क्षमता प्रकट होने लगती है। तर्क करने की क्षमता से आशय यह है कि वह यह समझ पाता है कि यदि ए के प्रभाव में बी हो रहा है तो बी का ए से किस प्रकार का संबंध होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे उसमें संरक्षण की समझ भी विकसित होती है। अर्थात अब वह यह समझने लगता है कि ग्लास ए बड़े आकार का है, ग्लास बी छोटे आकार का है, लेकिन आकार का जल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि जितना जल छोटे ग्लास में था उतना ही जल बड़े ग्लास में भी रहेगा। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि प्रायः गणितीय शिक्षण के दौरान ऐसा देखने में आता है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं को मिलाकर यदि एक सीधी रेखा खींचते हैं और उन वस्तुओं के बीच की दूरी को बढ़ा के रेखा की लंबाई बढ़ा देते हैं तो इसके पूर्व की अवस्थाओं में विद्यार्थी अमूमन ये जवाब देते हैं कि रेखा की लंबाई बढ़ने से वस्तु की संख्या बढ़ गई होगी। लेकिन मूल संक्रियात्मक अवस्था में विद्यार्थी यह समझने लगते हैं कि रेखा की लंबाई बढ़ना एक आयाम का बढ़ना है, जबकि वस्तु की संख्या उतनी ही रह सकती है।
इसी प्रकार विद्यार्थी में वर्गीकरण की भी क्षमता विकसित हो जाती है। वह किन्हीं भी दो वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखने की समझ को आसानी से संप्रतिकृत कर सकता है। वस्तुओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाने जैसे कार्य भी वह इस अवस्था में करने लगता है। लेकिन इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण सीमा यह होती है कि विद्यार्थी जिन कार्यों को भी करता है वह उसके लिए मूर्त प्रमाण या मूर्त अनुभव की आवश्यकता होती है। अमूर्त चिंतन की क्षमता का उसमें अभाव होता है। जिन वस्तुओं को वह अपने सम्मुख देख रहा है उनसे जुड़ी समस्याएं, उनसे संबंधित मानसिक संक्रियाएं वह प्रयुक्त कर सकता है, लेकिन इससे इतर की परिस्थितियों में वह उन संक्रियाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं कर सकता है। इसके बाद चौथी अवस्था जो प्याजे ने बताई वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बालकों में अमूर्त संक्रियाओं का विकास होने लगता है। वे बहुत सी मानसिक संक्रियाओं का प्रयोग एक ही समय पर कर पाते हैं। आवश्यक नहीं है कि जिस संक्रिया के बारे में वह विचार कर रहे हैं उससे संबंधित कोई प्रत्यक्ष अनुभव उनके सम्मुख हो। वस्तु के उपस्थित न रहने पर भी वह उनके बीच काल्पनिक संबंधों पर विचार कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिस स्थिति के बारे में वे विचार कर रहे हैं उसके प्रति उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी हो, बल्कि वे काल्पनिक संबंधों के बारे में विचार कर सकते हैं, गणित के अमूर्त सूत्रों का निष्पादन कर सकते हैं, कल्पना के आधार पर कोई रचनात्मक लेख इत्यादि भी लिख सकते हैं। इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि इस अवस्था के विद्यार्थियों को यदि आप ऐसी समस्याएँ दें, यदि सभी किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा, वे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग अर्थात निगमन तार्किक चिंतन के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे और वे इस प्रश्न के अंतर्निहित मान्यताओं को एक दूसरे से संबंधित करके व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अर्थात खेती क्या है, किन वस्तुओं की खेती की जाती है, किसान और खेती का संबंध क्या है, खेती का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, ऐसे एक से अधिक प्रश्नों को एक साथ नज़र में रखते हुए वे इस मुख्य प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इस अवस्था में विद्यार्थी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के माध्यम से किसी भी समस्या पर विचार कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण भी मैंने रखा, यदि सभी किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा, इस प्रश्न पर विचार करते हुए विद्यार्थी इसके घटक प्रश्नों अर्थात खेती क्या है, खेती कौन करता है, खेती का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है, इन सब पर एक साथ विचार कर सकते हैं और इन पर विचार करते हुए वे एक निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे जो एक काल्पनिक अवस्था काल्पनिक स्थिति है कि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक प्रकार से परिपक्वता का द्योतक है जिससे गुजरते हुए व्यक्ति संज्ञानात्मक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हर विशेषता का अपने व्यवहार में प्रदर्शन करे ही। यह एक सिद्धांत का आदर्श पक्ष है जहां हम ये मानते हैं कि इस 11 वर्ष से अधिक की अवस्था आने पर प्रत्येक व्यक्ति मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक पहुंच जाएगा। सभी लोगों के अलग अलग विचार, इस अवस्था में विद्यार्थी ये मानने लगते हैं कि सभी लोगों के अलग अलग विचार, दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं होती हैं। अपने विचारों को दूसरों की तुलना में आंकने भी लगते हैं, अर्थात वे दूसरे के परिप्रेक्ष्य को भी समझने लगते हैं और उसके सापेक्ष अपने परिप्रेक्ष्य की विवेचना या उसका मूल्यांकन करते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने ऋषभ जी कि संज्ञानात्मक विकास जो है व्यक्ति का, जैसा कि पियाजे ने बताया, वो चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इस संदर्भ में मैं सोचता हूँ कि हमारे विद्यार्थी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि आखिर संज्ञानात्मक विकास की सीमाएं क्या क्या हैं। यह सवाल बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जिस समय पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तब से लेकर आज तक विश्व में संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए सर्वाधिक उपयोगी पियाजे के सिद्धांत को माना जाता है। हाँ, यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक आलोचना भी इस सिद्धांत की होती है। इसमें पहली सीमा इस सिद्धांत की यह है कि हमने संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण घटक को संज्ञान में नहीं लिया और हमने माना कि प्रत्येक बच्चा इन चार अवस्था क्रमागत अवस्थाओं से होते हुए ही विकसित होता है, जबकि बाद के शोध कार्य बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में संस्कृति का भी विशेष योगदान होता है। हालांकि जिन संक्रियात्मक प्रक्रियाओं का पियाजे ने उल्लेख किया या संदर्भ लिया वे तो क्रमागत रूप से
परिपक्व होने के साथ प्रकट हो सकती हैं, लेकिन वे किस रूप में और किस क्षेत्र में प्रकट होंगी इसमें संस्कृत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार पियाजे के शोध कार्य एक खास प्रकार के सैंपल पर किए गए थे जो कि खुद उनके बच्चे थे, और इस प्रकार के सिद्धांत को पूरे विश्व के संदर्भ में हम सार्वभौमिकृत नहीं कर सकते हैं, जहाँ की हमारी संस्कृति के आयाम हमारे चिंतन की प्रक्रिया को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ संस्कृतियाँ ऐसी होती हैं जहाँ आपस में संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, कुछ संस्कृतियाँ ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्तिनिष्ठता के मूल्य को सराहा जाता है। जिस संस्कृति में व्यक्तिनिष्ठता के मूल्य को सराहा जाएगा वहाँ पर पारस्परिक अंतःक्रिया की संभावनाएं कम होती रहेंगी, जिसके कारण सामाजिक अनुभव वाला पक्ष कमजोर होगा, जबकि जहां पर सामाजिक अंतःक्रियाओं को सराहा जाएगा वहां पर सामाजिक अंतःक्रिया का पक्ष मजबूत होगा। इसका प्रभाव विद्यार्थी के भाषा जैसी संज्ञानात्मक विशेषताओं के विकास पर पड़ेगा। इन पक्षों का पियाजे ने अपने सिद्धांत में संदर्भ नहीं लिया। अर्थात यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो पियाजे के सिद्धांत में जो सार्वभौमिकता की मान्यता है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। संस्कृत के पक्ष को संज्ञान से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, खासकर जो हमारी भारतीय कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से परिवार, समुदाय, राजनीतिक सांस्कृतिक संस्थाएं हमारे सीखने की प्रक्रिया में भागीदार होती हैं, इसे समझने के लिए पियाजे का सिद्धांत कई बार एक सीमित दृष्टिकोण के साथ उपस्थित होता है और हमें अन्य सिद्धांतों की मदद लेनी पड़ती है। बहुत अच्छा बताया आपने। जैसा कि आपने बताया कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा जो इग्नोर किया, सबसे ज़्यादा जो उपेक्षा की, वो बच्चे के विकास में उसकी संस्कृति की थी। तो मुझे लगता है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, वो इसकी आगे की व्याख्या करता है, जो कि बच्चे के विकास को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। आगे की कक्षाओं में हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक हमारे दर्शकों के मन में ये इच्छा होगी जानने की कि कक्षा शिक्षण के लिए पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार उपयोगी है, एक शिक्षक को क्यों जानना चाहिए पियाजे का सिद्धांत, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। कक्षा शिक्षण के लिए पियाजे का सिद्धांत एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है। इसके आधार पे सबसे और खासकर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए पियाजे के सिद्धांत को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप जिस सिद्धांत के बारे में जो मैंने चर्चा की उसके आलोक में आप इसे देखें तो शायद इसे अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। जैसा पियाजे की पहली मान्यता थी कि प्रत्येक बच्चा सक्रिय होता है, सक्रियता की यह मान्यता हमें एक सुझाव देती है या एक विकल्प सुझाती है कि हम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को लगातार सक्रिय बनाए रखने की व्यवस्था रखें। उनकी यह सक्रियता उनके ज्ञान निर्माण का आधार बनेगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सक्रियता का अभिप्राय कुछ भी क्रिया करने से नहीं है, बल्कि पियाजे के अनुसार वे सक्रियता जो आपकी मानसिक संक्रियाओं को पुष्ट करे सीखने का माध्यम हो सकती है। इस आधार पर हमें प्राथमिक कक्षाओं में विशेष रूप से विद्यार्थियों को सक्रिय रखने का प्रयास करना होगा। यह सक्रियता जिन वस्तुओं के साथ होती है, वे वस्तुएं किस प्रकार की हों, अर्थात हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री किस प्रकार की हो, इस बारे में भी पियाजे का सिद्धांत हमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश उपलब्ध कराता है। प्राथमिक कक्षाओं के संदर्भ में पियाजे लगातार कहते हैं कि बच्चा अपने शरीर गतिक क्रियाओं से सीखता है, मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव के द्वारा सीखता है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है। अगर इन तीनों संदर्भों का प्रयोग करते हुए हम विद्यार्थियों को इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराएं जहां उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता हो, जहां वे मूर्त वस्तुओं के साथ जोड़ तोड़ कर सकें, जहां वे अपने आप को विभिन्न संदर्भों में सक्रिय रखें, वह गतिविधियां विद्यार्थियों के सीखने के लिए उपयोगी हो सकती हैं। इसके साथ साथ पियाजे का सिद्धांत हमें करिकुलम या पाठ्यचर्या के विषय में भी कई महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि छोटे बच्चों की पाठ्यचर्या में या उनके लिए निर्मित की गई पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार के संरचनाएँ, इस प्रकार की सामग्री और दृश्य या बिंब दिए हों जो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने के में, जिसे वे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ सकें, जिसके आधार पर वे अपने समावेशन और समायोजन की प्रक्रिया प्रोत्साहित हो, अर्थात
यदि हमें उनको हम उन्हें एक ऐसी पाठ्यचर्या से परिचित कराते हैं या ऐसी अध्ययन सामग्री से परिचित कराते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान को संज्ञान में लेते हुए समायोजन की प्रक्रिया द्वारा समावेशन की ओर बढ़ाती है और उनके सम्मुख कोई नई चुनौती उपस्थित करती है, तो यह नई चुनौती उनके सीखने का आधार बनेगी, ऐसा संकेत हमें पियाजे के सिद्धांत से मिलता है। इसके अलावा विज्ञान के विषय के संदर्भ में पियाजे के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिताएं हैं। उदाहरण के लिए, जैसा पियाजे मानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने तरीके से संकल्पना को समझ सकता है, इसके आधार पर विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं अल्टरनेटिव कंसेप्शन की बात कही गई। एक उदाहरण द्वारा समझाऊं, पृथ्वी गोल है कि संकल्पना हमारे लिए एक अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन विद्यार्थी इसे चपटा समझ सकता है, विद्यार्थी इसे भूरा समझ सकता है, विद्यार्थी इसे हरे पेड़ों वाला समझ सकता है। इस प्रकार की वैकल्पिक धारणाएं प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा जनित होती हैं जिन्हें विद्यार्थी निर्मित करता है। इन्हें अमान्य घोषित करके या सीखने में त्रुटियां न करके पियाजे के सिद्धांत का संदर्भ लेते हुए हम कह सकते हैं कि हमें ऐसी शिक्षण युक्तियों का विकास करना होगा जो इन वैकल्पिक धारणाओं से मान्य अवधारणाओं की ओर विद्यार्थी को अग्रसर करने में मदद करें। कुल मिलाकर पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि जिस अवस्था में जिन संज्ञानात्मक संक्रियाओं की तैयारी के साथ विद्यार्थी हमारे सम्मुख आता है उसे उसी के अनुरूप सामग्री शिक्षण अधिगम क्रियाएँ और अनुदेशन से युक्त किया जाए, यह उसके संज्ञानात्मक विकास के साथ के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। धन्यवाद ऋषभ जी। तो मित्रों, आज आपने जाना कि हमारे अधिगम में हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही हमने ये भी जाना कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार हमारा संज्ञानात्मक विकास चार चरणों में होता है। पहली अवस्था या पहला चरण जो है वो संवेदी गामक अवस्था है, दूसरी अवस्था जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथी अवस्था जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। साथ ही हमने आज ये भी जाना कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सबसे प्रमुख आलोचना है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य की उपेक्षा की। साथ ही आपने ये भी देखा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए ताकि वह उन सिद्धांतों का प्रयोग अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में कर सके। NIOS की ओर से ऋषभ कुमार मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय